हाय एवरीवन, तो कैसे हैं? आई एम बैक विद अ न्यू टॉपिक. कैसे हैं आप सब? ये टॉपिक जो है बहुत इंटरेस्टिंग और बहुत इंपॉर्टेंट है. सीएमए या कोई भी ऐसे आप पेपर दे रहे हैं टैक्स का, उसमें तो है ही इम्पॉर्टेंट. एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से तो बहुत इंपॉर्टेंट है. मतलब वैसे आपकी लाइफ के लिए भी इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि आप जो है जॉब करेंगे, हो सकता है वहाँ पर आपको एचआरए मिले, है ना? तो आपका क्या एग्जेम्पशन का क्राइटेरिया है, सब कुछ आपको नॉलेज होनी चाहिए ना. तो आइए आज हम हाउस रेंट अलाउंस के बारे में पढ़ते हैं. एक बहुत इंटरेस्टिंग और बहुत इजी टॉपिक. देखिए, बेसिकली हाउस रेंट अलाउंस ना एम्प्लॉयर जो है एम्प्लॉई को देता है. अब क्यों देता है? अब ये जो एम्प्लॉई है कहीं पे रेंट पे रहते हैं. सपोज करते हैं कि ये जो एम्प्लॉई है ये नोएडा में रेंट पे रहती है. वहां पे जो है पूरा साल इसने रेंट दिया. तो इस रेंट को रिकवर करने, मीट करने के लिए, रेंट के एक्सपेंडिचर को मीट करने के लिए ये इंप्लॉय को अलाउंस दिया जाता है इंप्लॉयर के थ्रू. समझ आया? कि ये अलाउंस इंप्लॉय को इंप्लॉयर देता है उसका रेंट का एक्सपेंडिचर मीट करने के लिए. अब यही मैंने नेक्स्ट स्लाइड में बताया कि भाई दिस अलाउंस इज गिवन टू मीट एक्सपेंडिचर एक्चुअली इंकर्ड बाय द पेमेंट incurred on the payment of rent in respect of the residential accommodation occupied by the assessee. तो ये हमको समझ आया कि भाई एचआरए क्या होता है, एचआरए क्यों दिया जाता है. अब क्या मेरा पूरा एचआरए जो मुझे मिल रहा है मैम टैक्सेबल है या कुछ एग्जेम्पशन है? अगर है तो एग्जेम्पशन मैम मैं कैसे कैलकुलेट करूं, कैसे कैलकुलेट करूं मैं एग्जेम्पशन मैम, मुझे बताइए. तो अब आइए हम एग्जेम्पशन कैसे कैलकुलेट करते हैं ये पढ़ते हैं. देखो, हम ना ये जो सारे पॉइंट्स है ना इनका लिस्ट ले लेते हैं. पहला पॉइंट, आपको अलाउंस यानी कि एचआरए एक्चुअली कितना मिला, तो हिंदी में लिख लेंगे कितना मिला. नेक्स्ट, रेंट जो मिला उसमें से क्या माइनस करेंगे, 10% ऑफ सैलरी. तो कितना मिला पहला पॉइंट, रेंट माइनस 10% ऑफ सैलरी सेकेंड पॉइंट. अब थर्ड पॉइंट इस पे डिपेंड करता है कि वो जिस अकोमोडेशन में आप रेंट पे रहते हैं वो अकोमोडेशन कहाँ है, दिल्ली में है, कलकत्ता में है, मद्रास में है या मुंबई में है, तो आप सैलरी का 50% लेंगे. अगर और ये सारी की सारी मेट्रो सिटीज है ना, अगर नॉन मेट्रो सिटी यानी कि किसी भी और सिटी में है तो 40% ऑफ सैलरी लेंगे. तो लीस्ट ऑफ कितना मिला, रेंट माइनस 10% ऑफ सैलरी, और तीसरा कि आपकी अकोमोडेशन कहां पे है. समझ आया? अब सैलरी जो है कैसे कैलकुलेट होती है, बेसिक प्लस डीए पार्ट प्लस कमीशन. कमीशन हम तब लेंगे इफ इट इज रिसीव्ड बाय यू एज अ फिक्स्ड परसेंटेज ऑफ टर्नओवर. अब ये चीजें आपको ना ज्यादा अच्छी सब तब समझ आएगी जब मैं आपको क्या कराऊंगी, एग्जाम्पल कराऊंगी, जो कि मैं कराऊंगी. चलिए अब हम पहले एग्जाम्पल ही करते हैं आपके लिए. आइए एक स्लाइड इंसर्ट करते हैं यहां पे. चलिए अब सपोज करिए कि आपको जो है डीए कैलकुलेट करना है, डीए कह रही हूँ सॉरी, हमको क्या कैलकुलेट करना है, एचआरए की एग्जेम्पशन कैलकुलेट करनी है. डिटेल्स दे रखी हैं, बेसिक कितना 30,000 पर मंथ, डीए पार्ट कितना 4,000 पर मंथ, रेंट कितना पे हुआ 10,000 पर मंथ, एचआरए कितना मिला 15,000 पर मंथ, या टोटल एचआरए ले लेते हैं. इसमें कितना टोटल एचआरए आपको मिल रहा है 60,000. ठीक है, अब आइए हम प्रोसीड करें, हम निकालें कि भाई एग्जेम्पशन कैसे निकलती है. सबसे पहला पॉइंट मैंने क्या कहा था, कितना मिला 60,000 मिला. सेकेंड, रेंट यानी कि 10,000 इंटू 12. हम सपोज कर रहे हैं कि भाई ये 12 महीने जो एसएससी है कहां पे रहा है, रेंट पे रहा है. अब हमको क्या कैलकुलेट करना है, सैलरी. सैलरी मैंने आपको क्या बताया था, बेसिक
प्लस डीए पार्ट प्लस कमीशन. अब कमीशन तो यहाँ है नहीं, बेसिक कितनी है 30,000 इंटू 12 यानी कि 3,60,000, और डीए कितना है 4,000 इंटू 12 यानी कि 4,08,000 इनका क्या है सैलरी. ये जो सैलरी है ना इसको कैलकुलेट करते हुए दो चीजों का ध्यान रखना है, डीए जो है पार्ट लेना है, कमीशन जो है तभी लेना है अगर आप उसको एज अ फिक्स परसेंटेज ऑफ टर्नओवर आपको मिल रहा है. ठीक है, अब माइनस क्या करेंगे इसका मतलब है 10% ऑफ 4,08,000 दैट इज 79,200. फिर भी एक बार कैलकुलेटर पे कैलकुलेट करते हैं, 1,20,000 माइनस 40,800, हाँ यही आ गया ना 79,200. और थर्ड पार्ट कितना होगा, थर्ड पार्ट क्या होगा आपका. अब सपोज करते हैं कि ये जो एसएससी है वो दिल्ली का ही है, तो 50% ऑफ सैलरी यानी कि 50% ऑफ 4,08,000 दैट इज 2,04,000. अब इसमें से आपका लीस्ट क्या है बताइए, ये लीस्ट है तो 60,000 आपकी क्या हो जाएगी, एग्जेम्पशन हो जाएगी. अब 60,000 आपको एचआरए मिला माइनस 60,000 आपको एग्जेम्प्ट हो गया, निल हो गया टैक्स. ये है पहला केस जिसमें जो असेसी है वो कहाँ रहता है, दिल्ली में रहता है यानी कि एक मेट्रो सिटी में रहता है. अब हम एक दूसरा एग्जाम्पल करते हैं जिसमें असेसी जो है वो गुजरात में रहता है. गुजरात का मतलब है कि भाई पहले दोनों पॉइंट्स तो वही रहेंगे 60,000 79,200, थर्ड पॉइंट बदल जाएगा 40% ऑफ 4,08,000. आइए हम देखें 4,08,000 का 40% विच विल कम 1,63,200, लीस्ट इज अगेन 60,000. तो 60,000 का एग्जेम्पशन मिला, पूरा ये एग्जेम्प्ट हो गया, और क्या चाहिए. तो देखिए अब ऐसे कैलकुलेट होता है. अब एचआरए का जो एग्जेम्पशन है वो कब नहीं मिलता, अब मेरी बात को ध्यान से सुनेंगे कि पहली चीज मैंने आपको बताई कि इंप्लॉई रेंट पे रहता है, रेंट के एक्सपेंडिचर को मीट करने के लिए ये जो एचआरए दिया जाता है. अब अगर रेंट ही नहीं देगा तो एचआरए कौन सा मिलेगा, एचआरए का एग्जेम्पशन क्यों मिलेगा. अगर रेंट ही नहीं है तो एचआरए का एग्जेम्पशन भी नहीं मिलना चाहिए. तो पहले ये पॉइंट समझिए कि भाई अगर असेसी रेंट ही नहीं दे रहा है तो कोई एग्जेम्पशन नहीं मिलेगा. सेकेंडली भाई अगर जिस घर में असेसी रह रही है वो रेंट पे है, वो उसका अपना घर है, तो क्या कैसा एग्जेम्पशन मिलेगा. भाई एचआरए का पर्पस क्या होता है, आपको हेल्प करना, आप जो रेंट पे कर रहे हो उसको मीट करने में हेल्प करना. जब आप रेंट पे नहीं रह रहे, आप अपने घर में रह रहे हो, तो आपको एग्जेम्पशन की जरूरत क्या है फिर. भाई एचआरए तो रेंट रिकवर करने के लिए दिया जाता है. अब जो ये वाला पॉइंट है ना ये आपको मैं एग्जेम्पशन के थ्रू बताऊंगी. लास्ट पॉइंट भाई ये जो रेंट पेड माइनस 10% ऑफ सैलरी था, अब सपोज करो हम एक हाइपोथेटिकल एग्जाम्पल लेते हैं कि भाई रेंट 40,000 है और 10% भी 40,000 है, तो माइनस करके जीरो आ जाएगा. जीरो का मतलब है निल एग्जेम्पशन, लीस्ट तो जीरो ही आ जाएगा ना. अब सपोज करो भाई ये रेंट 20,000 है और 10% 40,000 है, अब तो रेंट कम ही हो गया, अगेन नो एग्जेम्पशन. तो अब मेरी बात को ध्यान से सुनेंगे कि भाई तीन केसेस में आपको एग्जेम्पशन नहीं मिलती. पहला अगर वो घर आपका है, घर आपका है तो कैसी एग्जेम्पशन, समझ आया. अगर आप रेंट ही नहीं दे रहे, रेंट ही नहीं दे रहे तो कैसी एग्जेम्पशन, समझ आया. अगर आपका रेंट, थर्ड पॉइंट, अगर आपका रेंट 10% ऑफ सैलरी के इक्वल है या लेस देन है फिर भी आपको कोई एग्जेम्पशन नहीं मिलेगी. तो अब इसका मतलब ये हुआ कि आपको कितने तरीके के क्वेश्चन आ सकते हैं, ट्विस्ट कैसे हो सकता है ये क्वेश्चन. सिटीज के थ्रू ट्विस्ट कर सकते, भाई आपको मद्रास दे देंगे, आप मत भूल गए मद्रास मेट्रो सिटी है तो हो गया कांड. तो दो तरीके से पहले ट्विस्ट हो सकता है, भाई सिटी चेंज कर देंगे जहां पे अकोमोडेशन है ना, क्योंकि सिटी चेंज करने से थर्ड पॉइंट एग्जेम्पशन का चेंज हो जाएगा. ठीक है, दूसरा दूसरा कैसे ट्विस्ट करेंगे, रेंट जो है 10% ऑफ सैलरी से कम कर देंगे, आप गोल हो जाओगे.
आपको बस इसमें ये लिखना है इतना कि भाई क्योंकि रेंट कम है तो एग्जेम्पशन मिलनी नहीं है उसे, आपको रेंट 10% के इक्वल दे देंगे आप फिर गोल हो जाओगे, इस तरीके से ट्विस्ट हो सकता है। या वो बोल देंगे कि भाई ये इसका अपना घर है और सारी डिटेल दे देंगे, आपने जो है एचआरए की एग्जेम्पशन कैलकुलेट कर दी, ये नहीं देखा कि भाई अपना घर है उसका, इस तरीके से ट्विस्ट हो सकता है। अब ये ना बड़ा इजी टॉपिक है ना, तो आप इसको छोड़ना मत, क्योंकि क्या आप क्या करते हो स्टूडेंट, आप ना इजी टॉपिक तो छोड़ देते हो, क्यों? क्योंकि इजी जो है, अब इजी टॉपिक आएगा तो आप अटेम्प्ट नहीं कर पाओगे ना। अब मे का पेपर कितना इजी था आईपीसीसी का, आप क्यों अटेम्प्ट, ठीक, जो बच्चे अटेम्प्ट नहीं कर पाए वो क्यों नहीं कर पाए, क्योंकि वो इजी चीजें करता ही नहीं है ये सोच के कि तो इजी है, तो इसलिए इजी चीज तो आपके टिप्स भी होनी चाहिए, यूं मैं यूं पूछूं और आपको आंसर आ जाए, और आप इस तरीके से पढ़ेंगे, थोड़ा सा चार्ट बना के पढ़ेंगे तो आपसे लर्न हो जाएगा। टैक्स इज नॉट डिफिकल्ट, थोड़ा सा टिपिकल कहीं कहीं पे हो जाता है, मगर वो भी चार्ट के थ्रू पढ़ा जाता है, तो मैंने अपने सारे वीडियोज ना चार्ट के थ्रू ही पढ़ाए हैं, तो आप जो है मेरे वीडियोस परचेज करिए, आपको बहुत हेल्प मिलेगी उन वीडियोस से। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप इसे लाइक करें, अपने फ्रेंड्स में शेयर करें ताकि उन्हें ये कंसेप्ट याद हो जाए देखते ही, है ना। अच्छा, कोई भी डाउट या क्वेरी हो तो आप प्लीज कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें ताकि ऐसे वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको और आते रहें, क्योंकि हम रोज ही अपलोड करते हैं नए वीडियोस। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, गुड बाय।